विश्व जल दिवस पर गुनिया किनारे जल गोष्ठी संपन्न। विश्व जल दिवस पर सिंहवासा तालाब किनारे जल गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें शहर के जल चिंतकों ने शहर, जिले, प्रदेश, देश व दुनिया में पानी की स्थिति के कारण व निवारण पर चर्चा की। विषय पर बोलते हुए नरेंद्र भदौरिया ने कहा कि गुना शहर ने बीते 20 वर्षों में टोंटी लगाव अभियान, कुओं का सफाई अभियान, भुजरिया सिंहवासा तालाब गहरीकरण, गुनिया पनरिया ओडिया नदी अभियान, मिशन भूजल आदि के माध्यम से शहर में जल जागरूकता बनाई हुई है। शासन प्रशासन मीडिया की मदद व समर्थन भी इन अभियानों को सदैव रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर पुष्पराग ने कहा कि गुना में औसत सामान्य वर्षा हो ही जाती है। यहाँ भुजरिया सिंहवासा गोपालपुरा जैसे तीन तालाब, गुनिया पनरिया ओडिया जैसी तीन नदियाँ हैं। प्रतिवर्ष बारिश में भी ये तीनों तालाब एकाधिक बार ओवरफ्लो हो ही जाती हैं। तीनों नदियां भी उफन जाती हैं, फिर भी गुना गर्मियों के आते ही जल अभावग्रस्त हो जाता है। मतलब साफ है, गुना में पानी की कमी नहीं, जल प्रबंधन का अभाव है। प्रोफेसर अशोक दहीभाते ने कहा कि गुना शहर मकरोदा, गोपी कृष्ण, संजय सागर डैम से घिरा है, सिंध व पार्वती नदियों के बीच बसा है। जिला तीन बड़ी नदियों नेगरी, कुनो व तेन का उद्गम स्थल है। गुना में पानी की जागरूकता भी बढ़ी है। ये सुखद है, पर जरूरत घर के छत पर बरसे पानी को घर के नीचे की जमीन पर, शहर के पानी को शहर में, जिले के पानी को जिले में रोकने की है। हम करेंगे। तालाब की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सिंहवासा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पनरिया की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ओडिया की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पानी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे।